नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तेरसवां मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। मंडलायुक्त मंडल के तीनों जनपद आजमगढ़ महू बलिया में चयनित ब्लैक स्पॉट्स एवं उन पर सुधारात्मक कार्यों कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटना होने की दशा में गोल्डन आवर में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को स्वैच्छिक मदद प्रदान करने वाले व्यक्तियों के रक्षार्थ भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए। श्री विजय विश्वास पंत ने मंडल के सभी जनपदों में स्थापित ट्रामा सेंटर को तत्काल क्रियाशील एवं तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ट्रामा सेंटर पर दवा, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए। श्री पंत ने कहा कि हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मृतकों के परिजनों तथा घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लंबित मामलों को निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए सड़कों के किनारे से अतिक्रमण को हटाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरों में टैक्सी, ऑटो एवं बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए और उन्होंने परिवहन एवं पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा के मद्दों जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर सड़क के चौराहों पर चेकिंग कर चालान करने के निर्देश दिए। आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर टेस्टिंग में वृद्धि करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दूध के उत्पाद एवं खाने वाले तेल के अधिक से अधिक सैंपल लेकर टेस्टिंग क्षमता में तेजी लाएं। श्री विजय विश्वास पंत ने उक्त निर्देश कल देर सायं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को दिए। श्री पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में बिकने वाली सब्जियों, मसाला, दाल, बोतल, बंद पानी तथा पान मसालों की अधिक से अधिक टेस्टिंग एवं सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के जीव सीजन को देखते हुए प्लानिंग के अनुसार मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के दुकानों की जांच कर अधिक से अधिक सैंपलिंग एवं टेस्टिंग सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की भी टेस्टिंग एवं सैंपलिंग अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों के लाइसेंस की भी जाँच करें। उन्होंने भी कहा कि यदि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का समय समाप्त हो गया है तो तत्काल नवीनीकरण कराया जाए। उन्होंने भी कहा कि यदि किसी व्यापारी ने नए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है तो पेंडिंग में न रखकर उसे तत्काल जारी कर दिया जाए। बाका दिवारा थाना नरौना पार क्षेत्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आई सुनीता के पति रामनिवास ने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि हमारे ही गांव के कुछ काफी मनबड़ कोलबंद सिनाजोर किस्म के व्यक्ति आए दिन जमीन के पुराने रंजिश को लेकर गालियां देते हैं और मारने की धमकी देते हैं। आरोप है 27 जून की शाम पीड़िता सुनीता के दरवाजे पर चढ़कर सभी मनबड़ एकजुट होकर सुनीता को मारने पीटने लगे, जिससे उसे काफ़ी चोट आई और वह जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी। पीड़िता सुनीता की आवाज़ सुनकर कई लोग बचाने के लिए आए, दबंगों ने उनको भी ऊपर भी हमला कर दिया, जिससे पतिया व अमरावती घायल हो गई। इसकी सूचना तत्काल डायल 112 को देते हुए थाना रौना पार को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। थाना रौना पार द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा गया और थाना रौना पार द्वारा भी पक्षियों के प्रभाव में आकर दबंगों के खिलाफ 323-504 NCR दर्ज कर पीड़िता को घर भेज दिया गया। आरोप है कि जब पीड़िता घर पहुंची तो दबंगों ने गाली देते उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और पूरे मामले से अवगत कराया। दबंगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की ताकि जान माल की सुरक्षा करते हुए न्याय मिल सके। क्या कुछ कहा पीड़िता के पति ने आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश चंद। कहाँ के रहने वाले? बांका देवारा थाना रौना पार। क्या मामला है पुलिस अधीक्षक का? अरे पुराने रंजित था जमीन के बारे में, हम लोग के हमारे परिवार को पूरा मार दिए हैं लोग। कौन लोग मारे? विजयी, राम केवल, धोरू, अमित, सत्या, ललिया। आपने थाने पर मैं 4 एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई घायल भी है? घायल है तो हमारे पति ही बहुत घायल है। अच्छा, तो आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आए, क्या आश्वासन मिला? यहाँ तो अभी कुछ यहाँ पर्ची दिए हैं अभी। जहाँ 31 जुलाई 2021 यानी आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा एक पुलिस उपाधीक्षक, 5 उप निरीक्षक सहित 3 मुख्य आरक्षियों को सेवानिवृत्त किया गया है। बता दें कि
कि आज अधिकारी कर्मचारी गण अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस ऑफिस में 1 पुलिस उपाधीक्षक, 5 उप निरीक्षक व 3 मुख्य आरक्षी कुल 9 अधिकारी कर्मचारीगण का विदाई समारोह कार्यक्रम के साथ सेवानिवृत्त किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं जो TV20 न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा पुलिस ऑफिस में कुल 9 अधिकारी कर्मचारीगणों का विदाई समारोह कार्यक्रम के साथ सेवानिवृत्त किया गया। भाभी से अवैध संबंध में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अब मृतका की भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जीवनपुर कोतवाली क्षेत्र के मेहदी पट्टी गांव में रात्रि 9 बजे विवाहिता की मौत हो गई। छोटे भाई ने अवैध संबंध के कारण बहन की पानी में डुबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। थाने में दलील मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दुर्गासा पुत्री मुन्नर राजभर, उम्र 30 वर्ष, निवासी भुवना, बुजुर्ग की लड़की की शादी साल 2010 में सूर्यभान पुत्र हरिलाल निवासी मेहदी पट्टी से धूमधाम से हुआ था। शुक्रवार की रात्रि 9 बजे बाय के पक्ष को लड़की की तबीयत खराब होने की सूचना पर परिजन पहुंचे तो मौके से सभी घर के लोग फरार थे और वहीं उसकी बहन मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। वह जुलाई 23, 2021 को जीनपुर थाने में मारपीट की सूचना दी गई थी, जिसमें उसके पति सूर्यभान का शांति भंग में चलान भी हुआ था। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां बुढ़नपुर निवासी सौरभ कुमार सिंह पुत्र अवधेश प्रताप सिंह ने थाना अध्यक्ष अतरौलिया को तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि 27 जुलाई 2021 को लगभग 3 बजे शाम को राजन यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात ने सर्किल न्यूज ऐप पर मुझे भूमाफिया बताते हुए गलत पोस्ट किया था, जबकि राजन यादव ना तो सर्किल न्यूज का अधिकृत पत्रकार है और ना ही सर्किल ऐप का कोई मेंबर है। राजन यादव और रतन पाल यादव जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके साथ मिलकर सर्किल न्यूज ऐप पर मेरी छवि खराब करने के लिए गलत संदेश वायरल किया गया। उक्त संदेश में मुझे काफ़ी मानसिक पीड़ा हुई है तथा समाज में मानहानि का सामना करना पड़ा। पीड़ित ने उक्त कथित पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि प्रकरण की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि सौरभ सिंह पीड़ित ने क्या कुछ कहा। मेरे खिलाफ कल सर्किल न्यूज ऐप में राजन यादव द्वारा पोस्ट डाला गया कि मैं एक भूमाफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, जबकि मेरे खिलाफ ना तो कोई थाने में तहरीर है, ना तो कहीं है, ना तो मेरे पास एक कड़ी ज़मीन है। उन्होंने मुझे भूमाफिया घोषित किया, इसलिए मैंने अतरौलिया थाना में आके कोतवाल साहब को हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया और मैं इनके खिलाफ मानहान का भी दावा करूँगा। ये जो राजन जी हैं क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में? राजन जी हमको कुछ नहीं पता, हमने थोड़ा पता किया तो ये पता चला कि ये ना तो ऑथराइज पत्रकार हैं सर्किल न्यूज ऐप के
और ना ही ये उसके मेंबर हैं, ये एक फॉलोअर हैं बस। और ये हमेशा भ्रामक और गलत तरीके की न्यूज सर्किल न्यूज ऐप पे प्रसारित करते हैं और पैसा लेके और आपराधिक प्रवृत्ति के सभी लोगों के साथ मिलके ये सम्मानित व्यक्तियों को परेशान करने का काम करते हैं। खबर चलने से आपको क्या मतलब कि इसके लिए आप कहां? अरे इससे हमको मानसिक बहुत पीड़ा हुई है और मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं एक व्यापारी आदमी हूं और मेरे खिलाफ़ अगर मुझे भूमाफिया घोषित अगर ये कर रहे हैं तो इनको कौन सा हक है कि मुझे भूमाफिया घोषित करेंगे और मेरे खिलाफ़ क्यों ये कोई समाचार प्रकाशित करेंगे? इनके पास कौन सा ऑथराइजेशन आया कि किसने कहा कि इनको प्रकाशित किया जाए? मैंने श्रीमान थाना प्रभारी अतरौलिया को अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है और जिसको इन्होंने समाज सेवी बताया है रतन पाल यादव, इनके खिलाफ थाना अतरौलिया में 3-3 मुकदमे दर्ज हैं। 302 का मुकदमा दर्ज है और दर्ज है, तो ये उनको समाज सेवी घोषित कर रहे हैं और हमको भूमाफिया। आजमगढ़ में गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालटारी आजमगढ़ के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाया जाने का निर्देश शासन द्वारा समस्त शैक्षिक संस्थाओं को प्राप्त है। यह महोत्सव 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2023 तक 2000 अलग अलग माध्यम से समारोहपूर्वक पूरे देश में मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन श्री गांधी जी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़ में हुआ। इसमें दो पहिया वाहन वाले तो जो हेलमेट लगाए थे उन्हें प्रचार डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र, चीफ डॉक्टर डॉक्टर प्रेमचंद यादव, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर हसीन खान आदि लोगों ने केला देकर सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे उन्हें यह समझाया गया कि हेलमेट को बोझ ना समझें, इसे जीवन सुरक्षित रह सकता है, इसलिए हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। कार्यक्रम का प्रारंभ आज 31 जुलाई 2021 को 11 बजे से कार्यक्रम का प्रारंभ होकर 1 बजे तक चला। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शैलेश पाठक, नितेश जायसवाल एवं शैलेश सिंह भी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा दो पहिया वाहन चालकों को अच्छे तरीके से जागरूक किया जा सका। ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सरकार का आदेश था कि सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक महाविद्यालय मनाए, जिसमें कि रोवर्स रेंजर्स, NCC, NSS आदि के विद्यार्थी कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो लोग हेलमेट लगाकर आते हैं उनका सम्मान करें और प्रोत्साहित करें कि सब लोग हेलमेट लगा करके मोटरसाइकिल चलाएं। हमारे कॉलेज में आज दिनांक 31 जुलाई को यह सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सड़क पर जितने भी लोग हेलमेट लगाए आए हैं उनको हम सब लोगों ने केला दिया है और उनको प्रोत्साहित किया है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, और जो लोग बिना हेलमेट के गए हैं उनसे कहा गया है कि आप लोग जरूर हेलमेट लगाएं, क्योंकि बिना हेलमेट लगाने से आपके जीवन को अत्यंत ही नुकसान हो सकता है, आपका जीवन लीला समाप्त हो सकता है यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो। इस काम में हमारे कॉलेज के वॉलंटियर्स जो रोवर्स रेंजर्स के हैं, NSS के हैं, NCC के हैं, वो लगे थे। साथ ही साथ उनके प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर शैलेश पाठक जी हैं और डॉक्टर शैलेश सिंह जी हैं और डॉक्टर प्रदीप राय जी हैं और डॉक्टर नितेश जायसवाल जी हैं और भी डिपार्टमेंट के हैं, डॉक्टर राजेश जी हैं, डॉक्टर बालचंद जी हैं, बाकी कैडेट्स हैं, ये पूरा स्टाफ हमारा लगा हुआ है जो लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। आजमगढ़ से खबर है जहां सरकार द्वारा पंचायत सहायकों की भर्ती को लेकर जनसेवा संचालकों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि जनसेवा संचालक सेवा समिति आजमगढ़ के उपाध्यक्ष विनीत पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा एक भर्ती निकाली जा रही है जिसमें एक ग्राम सभा का एक ही व्यक्ति मेरिट के आधार पर चयनित होगा, जिसे 6,000 मानदेय भी दिया जाएगा और वह व्यक्ति संपूर्ण कंप्यूटर संबंधी कार्य जैसे डाटा एंट्री, मनरेगा फीडिंग आदि कार्य ग्राम सभा स्तर पर उसके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2012 से जनसेवा संचालक लगातार कार्य कर रहे हैं जिसमें नाम मात्र का ही उन्हें कमीशन मिलता है, जिससे परिवार का खर्च चलना बहुत ही मुश्किल होता है। इतने कम कमीशन में कोई भी कार्य बहुत मुश्किल होता है। बीच बीच में सरकार द्वारा लाई गई तमाम योजनाओं को जनसेवा संचालक द्वारा फ्री में किया जाता है, जैसे किसान सम्मान निधि, प्रवासी मजदूर की फीडिंग, आयुष्मान कार्ड तथा वैक्सीनेशन कार्ड बिल्कुल निःशुल्क बनाया जाता है।
अगर जनसेवा संचालक द्वारा सभी काम फ्री में किया गया है तो सरकार को जनसेवा संचालकों को भी ग्राम स्तर की भर्ती में अवसर देना चाहिए। आइए सुनाते हैं कि जनसेवा संचालक सेवा समिति आजमगढ़ के उपाध्यक्ष विनीत पांडे ने क्या कुछ कहा। मैं विनीत पांडे जनसेवा संचालक सेवा समिति का आजमगढ़ का उपाध्यक्ष और मेरा जनसेवा केंद्र आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में चलता है। सर, सरकार के द्वारा पंचायत सहायक की भर्ती की जा रही है जी, जिसमें जनसेवा के तर्क पर काम करेंगे जी जी, इसको लेकर जनसेवा संचालक लोगों पे आक्रोश जी, ये क्या है पूरा इसके बारे में? हाँ सर, मुझे भी संज्ञान में आया है कि गवर्नमेंट एक वैकेंसी निकालने जा रही है जिसमें एक ग्राम सभा का एक व्यक्ति बैठेगा, उसको 6,000 मान दे दिया जाएगा और वह व्यक्ति संपूर्ण कंप्यूटर संबंधित चाहे डेटा एंट्री हो, चाहे मनरेगा फीडिंग हो, चाहे जो भी कार्य है ग्राम सभा स्तर पर वो करेगा। इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है, क्या फायदा है इसके? देखिए सर, हम लोग 2012 से इसमें काम कर रहे हैं जनसेवा में और हम लोग को नाम मात्र का कमीशन मिलता है। अगर उतने में कोई जनसेवा केंद्र अगर चलाना चाहे अपना घर तो नहीं चला पाएगा और बीच बीच में सरकार द्वारा आई हुई तमाम स्कीमों को हम लोग फ्री में करते हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि हम लोग पूरी फीडिंग फ्री में किए हैं, प्रवासी मजदूर जो कि कोविड काल में प्रवासी मजदूरों द्वारा की फीडिंग की गई थी उसको हम लोग पूरी तरह निःशुल्क किए हैं, आयुष्मान कार्ड हम लोग पूरी तरह फ्री बनाते हैं, एक भी चार्ज नहीं लेते हैं, कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग फ्री में करते हैं। अगर ये सब हम लोग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को हमको बरीता देनी चाहिए। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खातिरपुर बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रानी किसराय विपिन सिंह का स्वागत समारोह भाजपा नेता रामधर यादव के द्वारा रखा गया था, जिसके क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया और लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। विपिन सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके जीता है, मैं स्वयं सेवक बनकर क्षेत्र का विकास करूंगा, जहां भी नाली खड़ंजा सुलभ शौचालय पार्क का निर्माण करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि हमारे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रहे। इस अवसर पर विरुद्ध राय संतोष कुमार गोल प्रधान, सत्येंद्र चौहान, ब्रजराज सिंह, मनोज कुमार नैयर, आलम जयप्रकाश सिंह, इंद्र सिंह सिंह, दीपक सिंह तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक श्यामधर यादव ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। जो लग करके जो है मेरा साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों ने जो है 15 साल के जो है घमंड और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई हमसे हमारा साथ देकर के लड़े हुए हैं, मैं आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं और मैं आप लोगों की हिम्मत को सलाम करता हूं। इस इलाके में जो है मान लीजिए मैं जिला पंचायत सदस्य रहा और गंभीर मन से जिला पंचायत सदस्य था, तब उस मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आजमगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के प्रधान लिपिक शोभनाथ यादव एवं संचालक साधु मौर्य की सेवानिवृत्ति के उपरांत उनका माल्यार्पण कर उन्हें उपहार आदि भेंट कर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय आजमगढ़ द्वारा भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय प्रबंधक अतुल त्रिपाठी ने दोनों कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही निगम की सेवा के उपरांत दिए लाभ में भी सेक्रेचुटी का चेक प्रदान किया गया। सेवा प्रबंधक वी के सिंह ने प्रधान लिपिक शोभनाथ यादव एवं साधु मौर्य चालक की निगम में बिताए हुए समय पर प्रकाश डालते हुए अपना आशीर्वचन प्रदान किया। संयोजक डीएन पांडे ने दोनों कर्मचारियों के निगम में शुरू से लेकर अब तक की कार्यप्रणाली पर विस्तार रूप से बताते हुए बताया कि श्री यादव द्वारा हमेशा निगम हित की अपेक्षा की गई है। मीडिया प्रभारी संजय राही ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि विदाई जिंदगी की एक अहम प्रक्रिया है जो बचपन से लेकर अंत समय तक चलती रहती है। सेवा प्रबंधक महोदय श्री वीके सिंह जी, मंचासीन अधिकारी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शोभनाथ यादव जी और साधु मौर्या जी, जैसा हम सबको विदित है आज हम हमारे क्षेत्र से निगम के दो कर्मचारी अपना सेवा काल पूर्ण कर निगम से विदा हो गए। आज विदाई और जुदाई दोनों ही है और दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही तड़प पैदा करती है, लेकिन जो जीवन का अहम हिस्सा है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इंसान की विदाई उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन वह माँ के गर्भ से पैदा होता है। बचपन विदा होता है, जवानी विदा होती है, विदा हर वो रवानी होती है जो हर जिंदगी की अनकही कहानी होती है, जिंदगी का अपना फलसफा होता है दोस्तों, विदाई का क्षण अत्यंत भावुक होता है,
कुछ कहने को लथपथराते हैं पर शब्द निशब्द हो जाते हैं। चमन से रुक्षत होंगे, चमन से रुक्षत होंगे, घुल न लौटेंगे, बुलबुलों का तड़पना जाया जाए। चमन से रुक्षत होंगे, घुल न लौटेंगे, बुलबुलों का तड़पना जायज है। आपके साथ सारी मंजिलें पा रहे थे, आपके चले जाना नायज है, आपका चले जाना नायज है। जब कदम पे हिचक चल पड़े, जब कदम पे हिचक चल पड़े, थमते गए तुम, हम अगर गिर पड़े, कैसे करते विदा, कैसे करते विदा जिनसे सब कुछ सीखा। कोई बड़ी बात नहीं अगर आंसू निकल पड़े। अंत में दोनों भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ, आजमगढ़ में जल संरक्षण, पौधरोपण व स्वच्छता की दिशा में अच्छा कार्य करने के लिए डायट प्रचार को प्रमाण पत्र देकर एडीएम प्रशासन ने सम्मानित किया है। बता दें कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण, पौधरोपण, कूड़ा प्रबंधन व स्वच्छता की दिशा में अच्छा कार्य के लिए इस सम्मान जिले के डायट प्रचार अमरनाथ राय को दिया गया। सम्मान से अभिभूत डायट प्रचारी अमरनाथ राय ने बताया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ग्रामीण राष्ट्रीय स्वच्छता परिषद ने कई कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसके तहत वे आजमगढ़ जिले को हरा भरा रखने के लिए बृहद पैमाने पर पौधरोपण करने के साथ ही कूड़े का प्रबंधन, जल संरक्षण की दिशा में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ कार्य को अंजाम दिए। इसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रविवार हो कोई एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित छोटे से कार्यक्रम दौरान डायट प्रचार अमरनाथ को प्रमाण पत्र दिया। सर पर्ची देते। मैं अमरनाथ राय, डायट प्राचार्य आजमगढ़। सर आज आपको सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का जो MGNCRE सेल है, उसके द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाई जा रही है, संपूर्ण स्वच्छता के संदर्भ में, ग्रीनरी के संदर्भ में, जल संरक्षण के संदर्भ में और मृदा संरक्षण के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में, तो इन संदर्भों में जो कार्य MGNCRE से जुड़कर आजमगढ़ में कराया गया, जिसका डाइट के द्वारा जिसका संचालन किया गया, और उसमें कूड़े का सही प्रबंधन करना, वेस्टेज का सही उपयोग करना और वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण की दिशा में कार्य करना, तालाब पोखरों के लिए काम करना कि जो पट चुके हैं तालाब पोखरे उनकी खुदाई हो जाए ताकि उसमें जल रुक सके, जल संरक्षण हो सके, मिट्टियों की जो उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है उसे कंपोस्टिंग के माध्यम से जो कूड़े हैं उनको कंपोस्टिंग किया जाए और कंपोस्टिंग के माध्यम से उनमें मृदा उर्वरा को बरकरार रखी जाए, इन संदर्भों में जो कार्यक्रम कराया गया पूरी टीम के साथ मिलकर और जिसमें गाँव वालों का भी अच्छा सहयोग रहा और उस पर किए गए कार्य को की सराहना करते हुए भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के ये इस ग्रामीण राष्ट्रीय स्वच्छता परिषद स्वच्छता परिषद द्वारा ये इस कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है। क्या लक्ष्य रहेगा सर और आगे आपका? आगे इससे एक उत्साह सबको, पूरी टीम सदस्यों को बढ़ी है कि इसको और व्यापक तरीके से जन आंदोलन बनाया जाए और हर व्यक्ति को ये लगे कि हमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण या आसपास के स्वच्छता के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, वो सारी चीज़ों के लिए कार्य करें और हम जुड़कर और बेहतर कार्य कर सकते हैं। संकल्प लिया गया सर, किसके द्वारा सम्मानित किया गया सर? ये पुरस्कार जिलाधिकारी माध्यम से सम्मानित किया गया यहाँ, क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रम था, वहाँ से आयोजन जो है वो MGNCRE ने किया था और यहाँ जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में ADM ई साहब द्वारा इसको सम्मान को प्रदान किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। मिशन 2022 को लेकर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए दांव खेलने की तैयारी चल रही है। बसपा ब्राह्मणों का मंडलीय सम्मेलन कर रही है, इसकी जिम्मेदारी बसपा के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र लगातार बसपा के दिग्गज नेताओं, ब्राह्मण समाज के नेताओं के संपर्क में हैं। ब्राह्मण समाज के नेता जगह जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा के दिग्गज नेता राजा संतोष कुमार मिश्रा आज ब्राह्मण बंधुओं के साथ बैठक में भाग लेने के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे। समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने राजा संतोष मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए संतोष मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार ब्राह्मण समाज के नेताओं की हत्या हो रही है, भाजपा की सरकार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। आइए आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहा बसपा नेता ने। आगे है कर्म पर ही ध्यान है, देश की तुशान है, राजनीति राजनीति हो या कोई क्षेत्र, मिल जाता हो सब कुछ गड़ा दे जहां तू नेत्र,
कुबेर तेरे हाथों में, विधान तेरे बातों में। साहब, आप जौनपुर के धरती से चल के आज आजमगढ़ की धरती पे आए हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा आपका सम्मान किया गया, और जैसे ही चुनाव आता आप बसपा की राजनीति कर रहे हैं, इस समय ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, तो इस पर पहला सवाल है कि सारी पार्टियां ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए तत्पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, पूरे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, खास करके मैं परशुराम का वंशज हूँ, मैं भगवान परशुराम के चरणों को नमन करते हुए आप लोग मीडिया में बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भयभीत हो गया है। यहाँ की अराजक सरकार, निष्क्रिय सरकार, जातवादी ढोंग करके, भगवान राम के मंदिर के नाम पर ढोंग बना करके, एक ब्राह्मण समाज को भयभीत करके उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज का सफाया करना चाहती है, यही मुझे देखने को मिल रहा है। इस नाते मुझे विधानसभा छोड़ करके अपने आवास पर, संस्थानों पर आने की आवश्यकता महसूस हुई है। आप लगातार ब्राह्मणों को लेकर बैठकें कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं, आने वाले समय में आजमगढ़ में ब्राह्मण सम्मेलन बसपा द्वारा कराया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियां, क्या रणनीति बनाए हैं? उत्तर प्रदेश में जो भी ब्राह्मण सम्मेलन कराया जा रहा है, सभी पार्टियां ऐसा विचार कर रही हैं, लेकिन उनको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब पूरे ब्राह्मण समाज भयभीत थे, ब्राह्मण समाज के एक एक करके इनकाउंटर किया जा रहा उत्तर प्रदेश में, उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वप्रथम ब्राह्मण समाज की चिंता की है, और उनके निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के पावन धरती पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी, जिनको आप लोग भली भांति से जानते हैं, मिश्रा जी, वो एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में यह सम्मेलन किया जाएगा, जिससे ब्राह्मणों को बताया जाएगा। कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो अभी भी धर धर की बात करते हैं, वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी के दल के बहकावे में न आवें, जो आपका हितैषी है उसको सभी लोग जानते हैं, क्यों नहीं उस हितैषी पार्टी का साथ दिया जाए जो बहुजन समाज हित की बात करता है, सर समाज के हित की बात करता है और ब्राह्मण समाज के हित की बात करता है, क्यों नहीं उसी के विषय में चिंतन मनन किया जाए? क्या लगता है कि 2022 में ब्राह्मणों को टिकट ज़्यादा बसपा देगी? हाँ, इसमें दो राय नहीं है, ये तय हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भान कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि ब्राह्मण समाज की भागीदारी बढ़ चढ़ के रहेगी, और ऐसा उनका देखने को उदाहरण हम लोगों को मिला है। 2017 में उन्होंने 85 टिकट दे करके ब्राह्मणों को मान सम्मान बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया था, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 45 ब्राह्मण चुन के गए थे। आज तो 8 मंत्री सुनने के मिलते हैं, क्यों भाई 8 मंत्री हैं मेरे पास? मेरी तादाद 13% मंत्री, 8 मेरी तादाद के आधार पर मुझे 14 मंत्री की आवश्यकता थी, 15 मंत्री की आवश्यकता थी, वो भी 15 मंत्री कैबिनेट मंत्री होने चाहिए थे, राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार को छोड़ दीजिए। इसके हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहन कुमारी मायावती ने ब्राह्मणों को ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा भागीदारी दी थी। ये जो बात मैं कहा, आजमगढ़ में प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के मौके पर एक सरस काव्य गोष्ठी का आयोजन शनिवार को प्रगति प्रवास संस्था के बैनर तले प्रसिद्ध कवियत्री आशा सिंह की कोलघाटी स्थित आवास पर किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार मौजूद रहे। सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम के प्रथम सत्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार ने कहा कि प्रेमचंद जनमानस के रचनाकार थे, उनकी रचनाओं में शोषित वर्ग, ग्राम्य जीवन एवं नगरीय जीवन की
जटिलताओं का वर्णन था। वे एक कालजयी रचनाकार थे। सर अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग। आज क्या कार्यक्रम है? आज प्रगति प्रवास संस्थान द्वारा यहाँ पर साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिवस पर। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिनके बारे में ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा लिखा तबका या शहरी तबका या उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के, हर व्यक्ति के लिए उनका जीवन एक उपयोगी और उनका जो साहित्य है इतना उपयोगी है। जैसे उनके साहित्य में विशेष तौर से मैं गबन का उल्लेख करूं, उपन्यास उनका जो गबन है उसके माध्यम से उन्होंने समाज के हर वर्ग को छूने का प्रयास किया। रतन के माध्यम से एक मॉडर्न महिला को प्रस्तुत किया गया है, जालपा के माध्यम से एक गहना प्रेमी महिला को प्रस्तुत किया गया है, या जोहरा के माध्यम से एक ऐसी महिला को वो वेश्या है, लेकिन उसके माध्यम से यह बताया गया कि एक वेश्या या समाज की घृणित महिला भी राष्ट्र प्रेमी हो सकती है, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे सकती है। इसलिए उनके माध्यम से, प्रेमचंद के माध्यम से हम भारतीय नारी वर्ग को ये कहना चाहते हैं कि इसमें हीन भावना से वो कदाप ग्रसित न हो। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आदमी को कुछ ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं जो नहीं चाहती है। महिला, विशेष तौर से महिला, कोई महिला, कोई बेटी भारत की वेश्या नहीं बनना चाहती, परिस्थितियां उसे वेश्या बनाती हैं। मैं पुरुष समाज को भी उसमें इन्वॉल्व करता हूँ कि पुरुष समाज भी इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन आज मैं जानता हूं कि आज भारत की महिलाएं विश्व के हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अभी ओलंपिक में ही देखिए, पहला पदक भारत की नारी ने दिलवाया। गबन के माध्यम से वो बहुत चिंता व्यक्त करते थे, भारतीय नारी के एक कृत्य से वो बहुत नाराज थे। वो कहते थे वो गहना प्रेमी इतनी हैं, चाहे वो उच्च वर्ग की हो चाहे निम्न वर्ग की हो, गहना प्रेमी इतनी हैं कि कहीं ना कहीं उससे समाज में तूफान आता है। उस गहने से बेहतर, उस गहने के माध्यम, गहना न बनवा करके अगर अपने बच्चों को पठन पाठन में, बच्चे को ज्ञान में, अगर ज्ञान के लिए अपना सारा सर्वस्व न्योछावर करें तो देश का, समाज का और राष्ट्र का विकास। उनका ईदगाह है, उनका दो बैलों की जोड़ी है, क्या 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 गिनाऊं। सचमुच यह साहित्य के सिरमौर थे। इनकी कालजयी ऐसी ऐसी कालजयी रचनाएं हैं, 300-300। लालगंज ब्लॉक के ग्राम सभा सठौली गोपालपुर में पूर्व प्रधान गणपत राजभर ने ग्राम सभा की जमीन को पट्टा करके उसे बेच दिया है। यहां तक कि राम जान के ट्रस्ट की 5 बीघा भूमि सैयद बाबा की जमीन के साथ साथ पड़ोसी राज्य बहादुर राजभर पुत्र विश्राम राजभर का कहना है कि हमारा पुश्तैनी मकान और खेत को भी पट्टा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ 2003 से बल्ली राजभर मुकदमा लड़ रहे थे। उनके निधन के बाद मैं राज बहादुर राजभर 2008 से मुकदमा लड़ रहा हूँ। SDM लालगंज ने आदेश भी दिया कि पुलिस की मौजूदगी में मामले को हल किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। राज बहादुर राजभर ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। धमकियों की? हाँ, धमकी दिए तो मैं मार दूंगा, उठवा दूंगा। किसने? गणपत राजभर। अच्छा, ये क्या धमकी दी आपको? हम बोले मैं तेरे को मार दूंगा, उठा दूंगा। तो आप यहाँ घर पे ही रहते हो कि आप कहीं रहते हो? अभी मैं बॉम्बे रहता हूँ, कमाता खाता हूँ, उधर ही है। मतलब यहाँ घर पे कौन कौन रहता? कोई नहीं रहता, मेरी माँ बाप दोनों खत्म हो गए, भाई भी खत्म हो गया। अच्छा, हम लोग अकेले हैं। तो आपके ये बच्चे हैं आपके? हाँ, हमारे बच्चे हैं। ये बच्चा हमारा है, वो छोटा वाला है। दिखाओ जरा बच्चों की तरफ, दिखाओ। तो यानी ये क्या धमकी देते हैं कि इन बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा? हाँ, हाँ, मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं अगर कल को अगर आपके साथ में कोई घटना घटती है तो उसका जवाबदार आप किसको मानते हैं? अब जवाब तहसीलदार, उसका जवाबदार लालगंज शासन प्रशासन और प्रधान को मानते? प्रधान को मानते। यानी आपके साथ कभी भी कोई घटना घटी तो इसके जवाबदार यही लोग? ये लोग होंगे, गणपत होंगे। यानी गणपत खुला आपको धमकी देने? हाँ, के बाद हाँ, भी खुला। शासन प्रशासन कुछ इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है भाई, ये सामने देखिए, अब सब कागज है, पेपर है। अच्छा, तो जैसे ये आपका गांव लालगंज तहसील में आता है, आजमगढ़ जिले में। हाँ, बराबर। आपको समस्या क्या है, आपने क्यों आखिर हमको बुलाया? हमने सर बुलाया कि 2003 में पट्टा कर दिए थे। किसने? गणपत राजभर। ये कौन थे? दुखी, हमारे मामा लगते हैं। नहीं नहीं, ये कौन थे इस गांव के? कुछ प्रधान थे। अच्छा, पूर्व प्रधान? पूर्व प्रधान थे। अच्छा, 2003 में जी इन्होंने पट्टा कर दिया है हमारे घर में। किसका पट्टा किया? जैसे कि अभी हम लोग, जैसे ये आपका घर है, कैमरा में सभी घर दिखाइए।
ये आपका जो घर है ये घर का पट्टा कर, घर में पूरा जमीन में वो सब पूरा नलका वो सब उधर खींचना पड़ेगा फोटो आपको, वो तो हम ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो आपका घर है ये कितना पुराना होगा? अरे ये हमको लगता है कि 2 फुट 3 फुट चली गई है, यानी 100 साल। हाँ 100 साल के ऊपर हो गया। 100 साल के ऊपर। हाँ। तो किसी के घर पे कोई पट्टा कैसे करते है? सर देखिए मैं भी तो बहुत मतलब कब से केस लड़ रहा हूँ, थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। अच्छा जैसे हमने यहाँ पर सुना कि जैसे आपके साथ में भी कुछ लोग थे वो इलेक्ट्रिशियन वाले भाई थे, वो बता रहे थे कि कुछ। और आजमगढ़ में समाज सेवी रतनपाल यादव ने बुढ़नपुर गांव की भूमाफियाओं के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बुढ़नपुर गांव के करोड़ों की भूम अराजी नंबर 158 ख रकबा 0.2370 व 124 क रकबा 0.262, 126 क रकबा 0.0590 सहित गांव सभा की 20 कीमती जमीनों पर अमित सिंह व सौरभ सिंह कब्जा जमाए थे, ऐसा आरोप है। इसके संबंध में रतनपाल यादव उच्च न्यायालय रिट याचिका संख्या 1115/2021 दाखिल किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी बुढ़नपुर को आदेश दिया है कि 1 माह में भूमाफियाओं से अतिक्रमण खाली करवाकर क्षतिपूर्ति की वसूली की जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से क्षेत्र की जनता में काफी हर्ष व्याप्त है। अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम रतनपाल यादव है, मैं विद का छात्र हूँ एवं समाज सेवी भी हूँ। क्या समस्या है आपको? हमारे ग्राम सभा बुढ़नपुर में सरकारी जमीनें जो हैं उस पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है, एवं अतिक्रमण किया भी गया है और करवाया भी गया है, और करवा के उस पर से प्रतिमा किराए की वसूली की जा रही है। तब क्या कुछ क्या चाहते हैं आप? हमने उसके मतलब विरोध में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एवं उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके उपरांत जो है हमारे जो है मार्गदर्शक श्री बैजनाथ पाठक जो कि अधिवक्ता है तहसील बुढ़नपुर में, उन्होंने हमें निर्देशित किया कि इस तरह से कार्रवाई संभव नहीं है, आप चले जाइए उच्च न्यायालय। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय के का शरण लिया और वहां से जनहित याचिका मंगवाया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से 1 माह में अतिक्रमण खाली करवाने का आदेश दिया है तथा 6 माह में क्षतिपूर्ति की वसूली का निर्देश दिया है, जिसके उपरांत हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करवाया जाएगा। कौन कौन कब्जा किए हैं, कौन लोग? सौरभ सिंह उर्फ रिशु सिंह पुत्र अवधेश सिंह एवं अमित सिंह उर्फ नखड़ू सिंह, अमित सिंह उर्फ नखड़ू सिंह पुत्र विशुनदेव सिंह। कौन लोग हैं? ये हमारे बुढ़नपुर के भूमाफिया हैं। कैसे आप कह सकते हैं भूमाफिया हैं? साक्ष्यों के आधार पर ये सरकारी जमीनें कब्जा की गई इन लोगों के द्वारा, तो स्पष्ट रूप से परिभाषित ये लोग हो जाएंगे भूमाफिया। क्या उम्मीद है आपको प्रशासन से? हमें प्रशासन से प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करवाया जाएगा। क्या मामला एडीएम बुढ़नपुर के संज्ञान में है? जी हाँ, हमने उनके स्टैंड को जो है अपना प्रार्थना पत्र दिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के साथ, उन्होंने हमें रिसीविंग प्रदान किया। अच्छा, मामला एडीएम बुढ़नपुर का क्या? जी हाँ, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि हर हाल में 1 माह के भीतर में कार्रवाई की जाएगी, उनके स्टैंड ने हमें इस आश्वासित किया है। क्या उम्मीद है आपको? हमें पूरा भरोसा है कि इस पर कार्रवाई संभव है, और माननीय तहसीलदार महोदय ने भी हमें आश्वासित किया है कि यदि आपके आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो हर हाल में कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। आप चाहते हैं कि जो बंजर जमीन कब्जा है उससे मुक्ति मिलेगा उनको? सार्वजनिक जो जमीनें हैं बुढ़नपुर ग्राम समाज में उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग हो सके, ना कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में हो। क्या